हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ट्यूटोरियल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वेरी बेसिक्स मैट पेंटिंग इन आफ्टर इफेक्ट, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊँ ताकि हर कोई जो बिगनर्स है वो घर में ट्राई करके देख सकें। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका एक मोबाइल का या कैमरे का स्टेबल वीडियो चाहिए जिस पर आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम यह मैट पेंटिंग कैसे करते हैं। चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है और दो फाइल है जो मैंने फोटोशॉप से कटआउट करके रखी है। ठीक है, मैं वीडियो को टाइमलाइन पे ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ टाइमलाइन पे। वीडियो के ऊपर ये लेयर आ जाएगी हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे। मैं इसे थोड़ा सा स्केल जो है इसका कम कर लेता हूँ। आपको ये लेयर सेलेक्ट कर लेना है और फिर एस प्रेस करना है कीबोर्ड से। यहाँ पर देखेंगे आप स्केल 100% है, तो मुझे छोटा करना है तो मैं इसे कम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से मूव टूल हमारा सेलेक्ट है, इसे मूव कर लेते हैं यहाँ पे। और भी हम इसे छोटा करेंगे क्योंकि अभी भी हमारे फ्रेम के बाहर जा रही है। ठीक है, इतना रख सकते हैं हम, ये ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट हम पीछे एक माउंटेन रखने वाले हैं, ये वाला पूरा हाइड कर देंगे। तो माउंटेन वाली हम यहाँ पर लेयर लेके आ जाते हैं और वीडियो के ऊपर ड्रॉप करते हैं, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, ये माउंटेन यहाँ पर मैं इनविजिबल करता हूँ, ये अभी आ गया है। इसका कंपोजिशन सारा मैंने फोटोशॉप में पहले प्रिपरेशन करके रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ फोटोशॉप में चलते हैं हम, ये फोटोशॉप में इस तरीके का हमें कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो ये सारे मैंने क्रिएट करके रखा है। आप देखेंगे पहले हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है वीडियो का, देन फिर मैंने माउंटेन यहाँ पर लगाया हुआ है ये, और उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फिर कलर करेक्शन वगैरह यहाँ पर किया हुआ है। तो ये कंपोजिशन हमें आफ्टर इफेक्ट में करना है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं या फिर इतना रख देते हैं। ओके, अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को थोड़ा मुझे उसका प्रॉपर यानी कंपोजिशन सेट करना है। स्केल में थोड़ा और कम करूँगा, एस प्रेस कर देना है। और गाइस, ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। ठीक है, हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन जो है मैच हो जाए। तो इसके लिए हमारी ये लेयर सेलेक्ट होना चाहिए, आर प्रेस करेंगे आप रोटेशन आ जाएगा, और यहाँ से हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे बस। सिम ओके, अब इसे थोड़ा सा मूव कर देंगे इस तरफ। कीबोर्ड से भी आपको एडजस्ट करके देख लेना है थोड़ा बहुत, ये ठीक है थोड़ा सा। अब थोड़ा और मैं स्केल चाहे तो माउंटेन का हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा लग रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो वाटर दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ओरिजिनल वाला, इस पर हम मास्किंग कर देंगे। फिर से हमें वही लेयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर पेन टूल लेना है और यहाँ से मास्किंग हमें कर देना है। ये इतना पोर्शन हमें हाइड करना है, हालांकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हाइड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। हम फिर से लेयर पे चलते हैं और यहाँ से मास्क पे चलते हैं। मास्क पे आने के बाद आप देखेंगे इन्वर्टेड, यहाँ से हम इन्वर्टेड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा फेदर मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मास्क को फिर से ओपन करेंगे, मास्क फेदर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ से। मूव टूल लेते हैं, साइड में क्लिक करके देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल आपको 25 के आसपास में फेदर लगा देना। यहाँ पर मैंने 26 लगाया, बाहर क्लिक करके देख लेते हैं अभी। ओके, ये नहीं हो रहा है मैच।
यहाँ से थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मास्क को, थोड़ा सा ऊपर, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम। ओके, फिर से मूव टूल लेते हैं, बाहर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये और भी परफेक्शन से हम काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उतना परफेक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यह कर सकते हैं, यू प्रेस करना है यहाँ पर आके आपको, तो जो है सारी की एडजस्टमेंट हाइड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना प्रीव्यू, ये काफ़ी अच्छा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है और ये बहुत ही बेसिक्स मैट पेंटिंग है। इसके बाद हम थोड़ी सी एडवांस देखेंगे जिसमें यानी कि वीडियो हमारा स्टेबल नहीं रहेगा, वो मूवमेंट करता रहेगा। ये ट्राईपॉड का वीडियो है तो इस पर हमें सब्जेक्ट को ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या स्टेबल वीडियो पे इस तरीके के इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका कलर करेक्शन कर लेते हैं, यानी थोड़ा मैच कर लेते हैं फुटेज को, ताकि ये वाले वीडियो से ये मैच हो जाए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मैच करना है तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चलेंगे हम इफ़ेक्ट पे, यहाँ से चलेंगे फिर कलर करेक्शन पे और यहाँ से फिर चलेंगे हम लेबल पे, लेबल्स पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लेबल्स का इफ़ेक्ट अब यहाँ पर खुल गया है। थोड़ा सा जो डार्क पोर्शन है मैं उसे थोड़ा सा लाइट करना चाहता हूँ, जस्ट लिटिल। ओके, और कलर्स वगैरह थोड़े से कर लेते हैं हम थोड़े ठीक, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है, माउंटेन में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। माउंटेन पे राइट क्लिक किए, यहाँ से हम चलते हैं इफ़ेक्ट पे, कलर करेक्शन, और यहाँ से हम चलते हैं अभी कर्व पे और थोड़ा हाइलाइट्स को मैं कम कर लेता हूँ और शेडो को इस तरीके से कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ओवरऑल यह वीडियो को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इस पर भी राइट क्लिक करना है, इफ़ेक्ट पे चलना है, कलर करेक्शन पे चलना है और फिर यहाँ से भी कर्व में चलना है। इसका भी हम थोड़ा सा शेडो बढ़ा देंगे, डार्क पोर्शन जो है थोड़ा सा लाइट हो जाए। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह सिंपल टॉपिक था, बिगनर्स के लिए काफ़ी ईजी है, आप भी ट्राई कीजिए। कोई वीडियो फुटेज ले लीजिए, ऐसा कोई भी जेपीजी इमेज लेके इंटरनेट से डाउनलोड करके या कहीं से भी कोई भी जेपीजी इमेज को आप फोटोशॉप में क्रॉप करके इस तरीके से वीडियो में अप्लाई करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।